प्रश्न चार, उस समानांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल तथा ऊंचाई निम्नलिखित है। तो प्रश्न चार का पहला में क्या दिया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 वर्ग मीटर। क्या दिया है? क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर, कॉमा ऊंचाई समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना दिया है? 1.6 डेका मीटर। डेका मीटर, तो 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है, ठीक है? 1 डेका मीटर में कितना मीटर होता है? 10 मीटर। तो क्षेत्रफल जब वर्ग मीटर में दिया है तो ऊंचाई को भी हम मीटर में बदल लेंगे, यानी 1.6 डेका मीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो हो जाएगा 1.6 × 10 मीटर, यानी 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है। 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है, तो हो जाएगा, अब दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटा देंगे तो 1 पे 1 शून्य देंगे बटा में, और गुना 10 मीटर। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मीटर। 10 से 10 को काट देंगे तो क्या बचेगा? 16, यानी 1.6 डेका मीटर बराबर हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है? 1.6 डेका मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 16 मीटर, क्योंकि 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है। तो 1.6 डेका मीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 वर्ग मीटर। तो अब हम आधार निकाल लेंगे, तो लिखेंगे क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर, यानी समानांतर चतुर्भुज का आधार निकालने के लिए क्या करना होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? ऊंचाई से, यानी समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई से हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को भाग देंगे तो आ जाएगा उसका आधार। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 वर्ग मीटर। 400 वर्ग मीटर। ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई देखिए कितना लाए हैं मीटर में, 16। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 16 × 32, 8 इधर गया तो 80 हो गया, यानी 16 × 32, 32 × 8 = 40, 8 इधर गया तो 80 हो गया, यानी 16 × 25 = 80, तो 25 मीटर मीटर में आएगा, क्योंकि हम ऊंचाई को मीटर में बदल दिए थे और क्षेत्रफल तो पहले से वर्ग मीटर में था। तो आधार कितना हो गया? 25 मीटर। तो क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग दे देंगे, यानी दोनों अगर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो ऊंचाई भी मीटर में होना चाहिए, तभी वह आधार जो है मीटर में आएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा में क्या दिया है? प्रश्न चार का दूसरा में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 4 एयर। क्या दिया है? 4 एयर। तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 4 एयर। तो इसको पहले हम मीटर में बदल लेंगे, ठीक है? एयर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 4 एयर को हम वर्ग मीटर में बदल लेंगे, ठीक है? क्योंकि क्षेत्रफल है।
तो एक ईयर में 100 वर्ग मीटर होता है, एक ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 4 गुना 100 वर्ग मीटर, ठीक है। एक ईयर में 100 वर्ग मीटर होता है, तो 4 ईयर में 4 गुना 100 वर्ग मीटर यानी 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया वर्ग मीटर में, 400 वर्ग मीटर, यानी 4 एयर है तो 400 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का। उसके बाद ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 250 मीटर। देखिए ऊंचाई जो है मीटर में था, मीटर में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल को हम देखिए वर्ग मीटर में बदल लेंगे, तो 4 एयर बराबर हो जाएगा 400 वर्ग मीटर। अब हम आसानी से इसका आधार ज्ञात कर लेंगे, तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, आधार बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर, और ऊंचाई कितना है, 250 मीटर। तो एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 8 40, यानी कितना आ गया, 8/5 मीटर, मीटर में आएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में बदल लिए हैं और ऊंचाई पहले से मीटर में दिया हुआ है प्रश्न में, तो 8/5 मीटर। अब 8 को 5 से भाग देंगे, तो 5 गुना 1 5 3 बच गया, 3 नहीं लगेगा 5 से, तो दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा, तो 5 6 30 यानी 1.6 मीटर। तो आधार कितना आ गया, 1.6 मीटर, समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना आ गया, 1.6 मीटर। तीसरा, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 2.4 एयर, ठीक है, 2.4 एयर क्षेत्रफल, यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 2.4 एयर, और एक ईयर में होता है 100 वर्ग मीटर, तो 2.4 ईयर में क्या हो जाएगा, 2.4 गुना 100 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 शून्य होगा, गुना 100 वर्ग मीटर। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 24 गुना 10, 240 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल 2.4 एयर दिया हुआ है, तो इसको वर्ग मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 240 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, 240 वर्ग मीटर। शीर्षलंब, अब देखिए शीर्षलंब कितना दिया हुआ है, तो शीर्षलंब बराबर है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर। तो शीर्षलंब ऊंचाई को ही कहते हैं, तो आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 240 वर्ग मीटर, तो 240 बटा, शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं, तो
तो देखिए ऊंचाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि शीर्षलम को ही ऊंचाई कहते हैं, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। 10 से 10, 12 × 24 यानी कितना आ गया, 12 मीटर। आधार बराबर 12 मीटर, प्रश्न 5, उस समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई यानी शीर्षलम ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल तथा आधार निम्नलिखित है। तो प्रश्न 5 का पहला क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 125 हेक्टेयर, ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है 125 हेक्टेयर, और आधार दिया है 125 डेकामीटर, तो आधार डेकामीटर में है और क्षेत्रफल है हेक्टेयर में, तो पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को भी हम वर्ग डेकामीटर में बदल लेंगे क्योंकि आधार डेकामीटर में दिया है। तो 125 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग डेकामीटर होगा, तो पहले हम इसको 125 हेक्टेयर को पहले हम वर्ग मीटर में बदल लेंगे, तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 125 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 125 गुना 10,000, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है एक हेक्टेयर में, तो 125 हेक्टेयर में 125 गुना 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, तो पहले हम इसको वर्ग मीटर में बदल लिए हैं, ठीक है। अब एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है, देखिए एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 125 गुना 1,000 ये 10,000 बटा 10 गुना 10 से भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर है यानी मीटर गुना मीटर है, तो एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है, ठीक है, एक डेकामीटर में 10 मीटर, तो मीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा, देखिए मीटर है यहाँ पे, तो मीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ग मीटर है यानी मीटर गुना मीटर है, इसलिए 10 गुना 10 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल का बात हो रहा है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। फिर से इसको समझ लेते हैं, तो 125 हेक्टेयर दिया हुआ है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो पहले हम इसको वर्ग मीटर में बदल दिए हैं 10,000 से गुना करके, क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 125 हेक्टेयर बराबर 125 गुना 10,000 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है, अब इसको हमें डेकामीटर यानी वर्ग डेकामीटर में बदलना है, तो एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है, ठीक है, एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 10 से भाग देंगे, मीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे, तो मीटर का वर्ग है यानी मीटर गुना मीटर है, तो 10 गुना 10 से भाग देंगे। अब 10 गुना 10 से भाग दिए हैं, तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, 125 गुना 100 यानी 12,500 डेका यानी वर्ग डेका मीटर, तो इस तरह हम इसको वर्ग डेका मीटर में बदल लेंगे, तो 125 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया 12,500 वर्ग डेका मीटर। तो हमेशा याद रखना है कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है और एक डेका मीटर बराबर 10 मीटर होता है, तो क्षेत्रफल को हम वर्ग डेकामीटर में बदल दिए हैं। अब क्या दिया हुआ है, आधार, आधार बराबर दिया हुआ है 125
डेकामीटर, तो आधार डेकामीटर में दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी हम वर्ग डेकामीटर में बदल दिए हैं। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई, तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा, यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को आधार से अगर भाग दे दें तो क्या आ जाएगा? ऊंचाई, उसका ऊंचाई, यानी समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना है? 12,500 वर्ग डेकामीटर, 12,500 वर्ग डेकामीटर। आधार कितना है? 125 डेकामीटर। तो 12,500 को 125 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? देखिए 125 गुना एक 125 यानी 100, कितना आ गया? 100। 125 से 12,500 100 बार में कट जाएगा, तो ऊंचाई हो गया 100 डेकामीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 100 डेकामीटर। तो इस तरह प्रश्न 5 का पहला हल करेंगे। दूसरा, क्षेत्रफल बराबर, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 5 एयर, 5 एयर। तो पहले हम इसको वर्ग मीटर में बदल लेंगे, तो एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। एक एयर बराबर कितना होता है? 100 वर्ग मीटर। तो 5 एयर बराबर हो जाएगा 5 गुना 100 वर्ग मीटर, यानी 5 गुना 100 हो गया 500 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हो गया 500 वर्ग मीटर। कॉमा देंगे, आधार, तो समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। क्या दिया हुआ है? 25 मीटर। अब क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर में बदल लिए हैं और आधार भी दिया हुआ है मीटर में। देखिए आधार मीटर में दिया हुआ था, इसलिए हम क्षेत्रफल को भी मीटर में यानी वर्ग मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि एयर में दिया हुआ था प्रश्न में। तो 5 एयर बराबर हो जाएगा 500 वर्ग मीटर। अब क्या पूछ रहा है? ऊंचाई, तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा आधार। तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 500 वर्ग मीटर, तो 500 बटा आधार कितना है? 25। तो कितना आ जाएगा? 25 दूना 50, यानी 500 को 25 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 मीटर ऊंचाई कितना हो गया? 20 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई हो गया 20 मीटर। इसका उत्तर, तीसरा में क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल बराबर 8 हेक्टेयर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 8 हेक्टेयर। कॉमा, आधार बराबर 16 डेकामीटर। क्या दिया हुआ है? 16 डेकामीटर। तो आधार डेकामीटर में है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, तो पहले हम हेक्टेयर को वर्ग डेकामीटर में बदलेंगे, उसके बाद ही इसका ऊंचाई ज्ञात होगा। तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर।
ठीक है, पहले हम हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदल लेंगे। तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 8 हेक्टेयर में 8 गुना 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। तो पहले हम हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदल लेंगे, उसके बाद डेका मीटर में बदलना है इसको, क्योंकि आधार डेका मीटर में है। तो एक डेका मीटर में 10 मीटर होता है, एक डेका मीटर में 10 मीटर होता है, तो मीटर को डेका मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 से भागा, तो हम 10 से भागा देंगे। लेकिन यहाँ तो वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर को वर्ग डेका मीटर में बदलना है, इसीलिए 10 गुना 10 से भाग देना होगा। तो ये आ जाएगा वर्ग डेका मीटर में, ठीक है। तो 8 गुना 10,000 को 10 गुना 10 से यानी 100 से भाग देना होगा, तभी क्या में आएगा, वर्ग डेका मीटर में। फिर से इसको समझ लेते हैं, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 8 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 10,000 वर्ग मीटर। अब एक डेका मीटर में 10 मीटर होता है, क्या होता है, एक डेका मीटर में 10 मीटर, तो मीटर को डेका मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दिया जाता है। लेकिन यहाँ वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर को वर्ग डेका मीटर में बदलने के लिए 10 गुना 10 से भाग देंगे, क्योंकि एक डेका मीटर में 10 मीटर होता है। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आ गया, 8 गुना 100 यानी 800 वर्ग डेका मीटर। तो क्षेत्रफल कितना है, 8 हेक्टेयर है, तो 8 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 800 वर्ग डेका मीटर। आठ हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 800 वर्ग डेका मीटर। अब क्या दिया हुआ है, आधार, आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार बराबर है 16 डेका मीटर। आधार कितना दिया हुआ है, 16 डेका मीटर। तो क्या निकालना है, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर होता है, यानी समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा, तो क्षेत्रफल को आधार से भाग दे देंगे, तो क्या ज्ञात हो जाएगा, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना आया, 800 वर्ग डेका मीटर। तो 800 बटा आधार कितना है, 16, तो इसको भाग देंगे, यानी 16 पच्चे 80 और एक शून्य यानी 50 डेका मीटर, डेका मीटर में आएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो गया 50 डेका मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो पहले क्षेत्रफल को वर्ग डेका मीटर में बदल लेंगे, उसके बाद आधार दिया हुआ है 16 डेका मीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 50 डेका मीटर। तो इस तरह प्रश्न 4 और 5 हल करेंगे।